जिलों की नगरी उदयपुर में अनुपमा महिला क्लब है और इसका जो मेला होता है उसके लिए सभी महिलाओं को इंतजार होता है। साल भर में ये एक बार मेला लगता है और 16 साल से ये मेला लगता आ रहा है। बड़ा ही आनंदित करता है ये मेला। जो भी इस मेले में एक बार आता है तो प्रतिवर्ष इस मेले में आता है और खूब आनंद से सभी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं और इस मेले को पूरी तरह से यहाँ पर जो भी ग्राहक आता है तो उसको कोई भी तकलीफ ना हो इसका पूरा इंतजाम किया जाता है। और यहाँ पर जो भी स्टॉल लगाने वाले होते हैं उनको भी खूब यहाँ पर सुविधा वगैरह सब देने का पूरी तरह से। महिलाओं को संबल देने के लिए यूं तो राज्य सरकार केंद्र सरकार कई कवायद करती हैं, लेकिन सामाजिक संगठन भी खूब कवायद करते हैं। अपने अपने स्तर पर विभिन्न आयोजनों के तहत या मेलों के तहत महिलाओं को संबल देने का कार्य होता है। युवा मेला अनुपम महिला क्लब द्वारा इसी अनुरूप लगाया जाता है जिलों की नगरी उदयपुर में प्रतिवर्ष, और यहाँ हजारों लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, खरीदारी के लिए और अपनी छोटी छोटी स्टॉल लगाने के लिए, जिनके जरिए ये अपने घरों पे बनाए गए या अपने ब्रांड के जो आइटम हैं, वस्तुएं हैं, वो पूरी तरह से आम जन तक पहुंचाने के लिए और सस्ती और सुंदर रूप में पहुंचाने के लिए ये यहाँ पर बिक्री करते हैं। यूँ तो देश और दुनिया में महिलाओं के लिए खूब सारे मेले लगते हैं, विभिन्न रूपों में ये मेले लगते हैं, लेकिन अनुपम महिला क्लब का युवा मेला अपने आप में अनूठा और अनोखा है। महिलाएं यहाँ पर आती हैं और अपना खूब आनंद रूप से यहाँ पर इंजॉय भी करती हैं और खूब खरीदारी भी करती हैं। जमकर खरीदारी करना महिलाओं का मन होता है और इस मन की पूर्ति के लिए ये मेले सार्थक होते हैं। खूब आनंद आता है जब अपने मन की पूर्ति होती है उन वस्तुओं को देखकर जो उनके मन को भाती हैं। ऐसी ही परिधान यहाँ पर सजाए गए हैं। ये परिधान करीना ने सजाए हैं। करीना बजाज जैसी ऐसी ही उद्यमी हर महिला हैं या जो घरों पर अपने उत्पाद बनाने वाली कई महिलाएं हैं जो इन मेलों के जरिए आम जन तक अपनी पहुंच बनाती हैं। इसी तरह से विभिन्न रूपों में यहाँ पर उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगती हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, मेलार्थी आते हैं और उन आइटमों की, उन वस्तुओं की पूरी तरह से देखरेख करके और उनको खरीदारी भी करते हैं। विभिन्न रूपों में यहाँ पर परिधान भी आते हैं और विभिन्न उत्पाद भी आते हैं। घरेलू कार्य के या घरेलू सजावट के यहाँ पर जो उत्पाद मिलते हैं वो अपने आप में अनोखे होते हैं। और अभी दीपावली का सीज़न शुरू होने जा रहा है, नवरात्रि का सीज़न शुरू होने जा रहा है, उसमें भी महिलाएं क्या पहने और अपने घरों में सजावट के लिए क्या करें, उसके लिए ये मेले सार्थक होते हैं। ऐसे ही महिलाओं को संबल देने के लिए, उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ऐसी ही संस्थाएं काम करती हैं और उनके अनुरूप ये मेले लगते हैं। यहाँ पर सामान्य से लेकर उद्योगपति महिलाएं तक इसमें शिरकत करती हैं और वो इन मेलों के जरिए उन महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करती हैं जो अभी अभी उद्यम के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में नए नए रूप में आए हैं और विशेष करके कई राज्यों से स्टॉल लगाने के लिए महिला उद्यमी यहाँ पर आती हैं और अपने अपने उत्पादों की यहाँ स्टॉल लगाती हैं। उत्साह है, उमंग है और आनंद का वातावरण इस मेले में दिख रहा है। खरीदारी में एक नया ट्रेंड बाजार में क्या आ रहा है,
और किस तरह के उत्पाद नए रूप में आ रहे हैं, चाहे खाने के पीने की चीज़ें हो या घर में साज सज्जा की चीज़ें हो, नए ट्रेंड में खरीदना एक आम जन की फिरकत होती हैं और उसी अनुरूप यहाँ जो लोग मेलार्थी आ रहे हैं वो यहाँ पर अपने अपने मनपसंद के उत्पाद खरीद रहे हैं। बड़ा ही अनूठा और अनोखा यह मेला है। इसमें महिलाओं के साथ में युवा भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। सभी के अनुरूप यहाँ पर सभी उत्पाद उपलब्ध हैं और खूब ठाट माट से यहाँ पर जमकर खरीदारी करते हैं। ऐसे ही मेले हर राज्य में लगते हैं और हर क्षेत्र में लगते हैं। क्या कहना है मेलार्थियों का और क्या कहना है आयोजकों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। आप प्रेमा जी, किस तरह से ये मेला लगता है और क्या कहना है आपका? ये मेला 2006 से स्टार्ट हुआ है और आज तक चला आ रहा है। हर साल हम इस मेले को लगाते हैं। अनुपम महिला क्लब द्वारा लगाया जाता है और इसमें जो अनुपम महिला क्लब की जो प्रेसिडेंट और उनकी टीम होती है वो इसमें सक्रिय होकर काम करती है। मुझे गर्व है मेरी टीम पे, मेरी जॉइंट मेरी सेक्रेटरी कविता, मेरे वाइस प्रेसिडेंट ममता और ये सारे मेरे जो साथ में खड़े हैं, शिल्पा जी, नीता जी, मीनू तनेश्रा, अनीता, संप्रति, साक्षी, विनीता, मैं सभी का, हम लोग 21 जनों की टीम है। हम सब जने मिलके इस टीम ये वाला काम, हम 2 महीने से इसकी प्लानिंग करते हैं और आज जाके हम 3 दिन से यहाँ लगातार हमारी सारी एग्जीक्यूटिव टीम यहाँ खड़ी रहती है, कोई भी यहाँ सूना नहीं छोड़ा है। इसीलिए हमें खुशी है कि ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। थैंक यू अनुपम महिला क्लब एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अनुपम महिला क्लब। अनीता जी बताएं, जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं आती हैं तो कितना उनमें उत्साह रहता है? बहुत उत्साह रहता है उन लोगों को। यहाँ पर नई नई वैरायटी चीज़ों की मिलती है, कपड़ों की मिलती है और वो चाहते हैं कि वो यहीं से शॉपिंग करें क्योंकि यहाँ पर कैंड मोमबत्ती से लेकर कपड़े तक, सब ज्वेलरी तक सब मिलता है, घर का सामान भी। पूरे इंडिया से अनुपम महिला क्लब के इतने स्टॉल्स हैं, सब स्टॉल्स वाले बहुत उत्साह से भाग लेते हैं, बहुत खुश है। हाँ, बोल रहे हैं कि अभी अगले साल हम लोग डेफिनेटली आएंगे। थैंक यू। आप बताएं, यहाँ पर जो आते हैं वो क्या एक मनोभाव लेके आते हैं और उनको क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे अनुपम महिला क्लब में ईवा के अंदर जो भी आते हैं तो वो मतलब पढ़ पढ़ के और एडवर्टाइज सुन सुन के ही आते हैं यहाँ पे। पर जब यहाँ से जब जाते हैं तो हम सबके चेहरे खिले हुए देखते हैं, हाथों में थैलियाँ देखते हैं तो हमको लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगा है। ये मेला नवरात्रि और दीपावली के समय आता है तो कितनी तैयारियों के साथ में यहाँ पर ग्राहक आते हैं और खरीदारी करके महिलाएं ले जाती हैं? यहाँ पे कस्टमर लेडीज आती है जिनको घर संभालना होता है, सजावट करनी होती है घरों की, तो वो यहाँ पे कपड़े नए नए देखती है। नवरात्र के भी कपड़े हैं यहाँ पे और अच्छे अच्छे कपड़े हैं, चादरें हैं, बेडशीट्स वगैरह है, तो यहाँ पर उनको सारी वैरायटियाँ मिल जाती है। तो आप बताओ क्या हम लोग सुबह 7:30 बजे से लेके इस ग्राउंड में रात को 11 बजे तक मेला बंद करते हैं, तब तक कोई ना कोई यहाँ मौजूद रहता है और सारे एग्जीक्यूटिव इतनी ट्रेंड हो गई है अब कि कहीं भी कोई भी मेला लगवा लो हमसे। क्या कहना है आपका? ये मेला पिछले 16 वर्षों से चल रहा है और उदयपुर का सबसे माना हुआ मेला है। यहाँ अब बहुत मेले होने लगे लेकिन उनमें से अभी भी सबसे बेस्ट मानते हैं इसको और हम प्रमोट करते हैं वोकल फॉर लोकल। मतलब जितने भी लोकल यहाँ पे हमारे लोग हैं और जो घर से काम कर रहे हैं उनको हमको प्रमोट करना मेन हमारा मकसद है। आप बताओ क्या? देखो, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, ईवा तो एक ब्रांड बन गया है
और सभी को मतलब स्पेशली लेडीज़ को पूरे साल इंतज़ार रहता है, सभी लेडीज़ एग्जीबिशंस में जाती हैं, बट ईवा की एक बात ही अलग है, जो भर भर के बैग लेके जाते हैं और 50,000 की शॉपिंग वाले भी लोग हैं, तो हमें उनको देख के ही बहुत मज़ा आता है। आप बताओ। बिल्कुल, ईवा हमारा एक ऐसा इवेंट है बाय अनुपम फॉर अनुपम एंड फ्रॉम अनुपम, और ये उदयपुर राइस का के लिए बहुत ही एक मोस्ट अवेटेड एक फेस्टिवल होता है, शॉपिंग फेस्टिवल होता है, जिसमें वो लोग आकर के बहुत अच्छे से मन भर भर के शॉपिंग करते हैं, और हम लोग इसमें इसलिए प्रमोट भी करते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्राइजेस भी रखते हैं। लाइक उन्होंने अगर 5,000 की शॉपिंग करी है तो हम उस 5,000 की शॉपिंग में उनके लिए लकी ड्रॉ निकालते हैं, 25,000 की शॉपिंग में लकी ड्रॉ निकालते हैं, और 3 दिन तक हमारा ये एकदम त्यौहार के जैसा बहुत बढ़िया चलता है। और मैं बिग थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे सभी स्टॉल कीपर्स को एंड उदयपुर राइड्स को फॉर मेकिंग। ईवा में सबसे खास बात यह है कि तीनों दिन प्राइजेस होते हैं, गेम्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, शॉपिंग तो होती है, इसके अलावा पहली बार ईवा के अंदर डायमंड रिंग एज राफेल क्रिकेट के कूपन में दिया जा रहा है। 5,000 25,000 की शॉपिंग के ऊपर प्राइजेस हैं, शॉप भी करो और इनाम भी ले जाओ साथ में। 16 ईयर से हम एंजॉय कर रहे हैं और हमें पता है पूरा उदयपुर एंजॉय कर रहा है। सो ईवा रॉक्स। कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ था कल, बच्चों का टैलेंट शो हुआ था, बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया था, बहुत ही अच्छा रहा। ईवा की सबसे बड़ी बात यहाँ ये जितनी महिलाएं छोटी छोटी उद्योग कर्मी हैं उनको एक मार्केट मिला है, उनको एक क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट मिलता है, लोग यहाँ से कार्ड लेके जाते हैं, जो अपने घरों में काम करती हैं महिलाएं उन सबको बहुत प्रमोट करते हैं, वो उनके लिए बहुत ही प्रोत्साहन का काम है, और ये सबसे बड़ा मोटिव भी यही है हमारा अनुपम महिला क्लब का, ये एक ऐसा मंच है जहाँ से सब महिलाएं अपने काम के लिए प्रोत्साहित होती है घर बैठे काम करने के साथ। 2006 में विनायक वाटिका के ग्राउंड से ये प्रोग्राम मंजू जी और हम लोगों ने शुरू किया। इसमें सब उम्र की औरतें आती हैं, ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी भी आ रही है, हमारे क्लब में भी सब एज की लेडीज हैं, वो सब यहाँ पे आके शॉपिंग करती हैं और इन्जॉय करती हैं। हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए बच्चों और लेडीज के लिए कॉम्पिटिशन्स रखते हैं और बड़े बड़े प्राइजेस देते हैं, तो उसका बहुत क्रेज रहता है लोगों में, और ये हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लगता है जैसे शादी कर रहे हैं, शादी करने के बराबर ये काम है, तो खूब इन्जॉय करते हैं हम इसको और पूरा शहर इन्जॉय करता है। एक और बात है, इस बार हमने जो रैफल टिकट्स का जो फर्स्ट प्राइज रखा है वो डायमंड रिंग है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना पॉपुलर है ये युवा। अरे आनंद क्या, हम लोग जैसे कहते ना कि घर के काम से थके हुए आते हैं, बट यहाँ आके हमें इतना अच्छा लगता है, लोगों की भीड़ देखते हैं और वो सब खुश होके जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा सक्सेस हो गया युवा लगाना। और हम रेफंड मतलब 30 रुपए की एक टिकट है, उसमें हम जैसे डायमंड रिंग और फैन और इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट। गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रि आती है और नवरात्रि के साथ ही दीपावली की रौनक शुरू हो जाती है, माता के डांडिया हो या दीपावली की चमक हो, सभी में अपने को निखारने की एक होड़ सी होती है और प्रतिस्पर्धा सब में रहती है कि मैं सबसे अच्छी दिखूं, इसके लिए पहनावा भी अच्छा होना चाहिए और खूबसूरती पहनावे से खूब आती है। तो यहाँ पर करीना ने कुछ कमाल किया है और यहाँ जिस तरह से बुटीक लेके आए हैं और नया ट्रेंड क्या बाजार में आ रहा है और किस तरह से नए नए उत्पाद इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किए हैं इस मेले में, बताएं क्या आप लेके आए हैं और क्या करना चाहते हैं। नमस्ते सभी को जी, मैं करीना बजाज, मार्केट में डिजाइनर वेयर सभ्यसाची के, मनीष मल्होत्रा के और पापा डोंट प्लीज के सबके डिजाइनर वेयर लाई हूँ मैं, एंड यहाँ पे सिर्फ लाइक एक्सपेंसिव नहीं, हर कोई आके शॉप कर सकता है, लाइक सबके लिए है, सबके लिए वाइड रेंज है। आप बताएं मार्केट में क्या चल रहा है और आप किस थीम को लेके आए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका मेवाड़ा गणेश चतुर्थी का गणेश पर्व की शुभकामनाएं आप सबको देना चाहती हूँ, और यहाँ पर ईवाज में करीना बजाज ने बहुत अच्छा
एग्जीबिशन लगाया है एंड इसमें बहुत ही यूनिक लेटेस्ट ट्रेंडी स्टाइल के लहंगा एथनिक वेयर है। काफ़ी शॉपिंग हम लोगों ने की है और आप लोग सब भी आइए और इन्जॉय करिए और अपने इस फेस्टिवल को और भी स्पेशल बनाइए। अनुपम महिला का मेला लगा है इवा मेला और यहाँ पर खूब खरीदारी हो रही है जमकर। और हमारे साथ में जो है शख्सियत है उदयपुर की जो सबको जीवंत करते रहते हैं, बताएं कैसा आनंद आ रहा है आपको परिचय। हेलो उदयपुर, कैसे सभी हैं आप? ये बहुत अच्छा इवा का फेस्टिवल, ये मेला 3 दिन से लगा हुआ है और मैं तीनों दिन कंटिन्यू आई हूँ और बहुत सारी शॉपिंग भी की है। सबसे बेस्ट काउंटर है करीना बजाज का, जिन्होंने कपड़े लगाए हैं मैम इन वियर ड्रेसिंग, इंडियन ड्रेसिंग का वियर है उनका और बहुत अच्छा है। आप परचेजिंग करें, आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी लगे फर्स्ट दिन से परचेजिंग है ताकि आपको अच्छे से अच्छी चॉइस करने को मिले। थैंक यू एवरीवन। युवा का मेला चल रहा है और मेले में विशेष रूप से जो घर पर बनाई गई चीजें हैं वो या ब्रांडेड चीजें जो विशेष रूप से एक स्तर की होती हैं, आम जन के लिए उपयोगी होती हैं, वो यहाँ पर खूब बिक्री हो रही है। और यहाँ पर जो फिरकी के रूप में आई है ब्रांड, उसमें क्या खासियतता है हमारे साथ में, आप बताएं क्या कहना है आपका। नमस्ते, मैं कृति नाहर। हमने अभी ये फिरकी करके एक बच्चों की क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करी है। इसकी खासियत ये है कि सारे फैब्रिक्स बिल्कुल ऑर्गेनिकली सोर्स्ड और प्रिंटेड है। इसमें सारे प्रिंट्स हमारे खुद के डिज़ाइन करे हुए हैं कि आपको प्रिंट्स कॉमनली कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, जो कि एजो फ्री डाइज हैं। इसमें एजो फ्री डाई है तो बच्चों के बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा रहता है प्रिंट्स। एंड सारे बहुत लाइट एंड सॉफ्ट कलर्स में है, कंफर्ट एंड हैप्पी कलर्स हैं सारे, तो आपके बच्चों को बहुत कंफर्ट विद स्टाइल मिलेगा इसमें। आप यहाँ पर मेरे क्लोथिंग का सामान देख सकते हैं। हम टॉयज़ क्लोथ्स ये सारी चीज़ें करते हैं और इनमें हम बच्चों के लिए हैम्पर्स भी बनाते हैं। प्लीज़ डू विजिट अस, वी हैव अ स्टोर एट पंचवटी एज वेल। थैंक यू। हम आज फिरकी के ऊपर फिरकी वाली स्टॉल पे खड़े हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, बहुत प्यारे कपड़े हैं, ज़रूर आएँ बच्चों के लिए लें। और बाकी भी पूरा इवा बहुत अच्छा है, सारे स्टॉल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्लस मस्ट विजिट है, फिरकी ज़रूर देखें। यूँ तो आपने चाक चलते हुए कुम्हार के यहाँ यानी कि प्रजापत के यहाँ देखा होगा, लेकिन अब जमाना चांद पर जा रहा है और मोदी जी ने भी अपने जो चंद्रयान को चांद पर पहुँचाया है, तो नई पीढ़ी भी ये पुरातन संस्कृति को लेकर नए रूप में आ रही है। और यहाँ पर युवा मेले में ये चाक लगाया है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक जो ये चाक है पूरी तरह से यहाँ पर जो मेलार्थी आ रहे हैं वो यहाँ पर विभिन्न वस्तुएं बनाना सीख रहे हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका और क्या कहना है? हम लोग पॉटरी डिलाइट से हैं और हम अलग अलग तरीके की पॉटरी वर्कशॉप्स और कोर्सेज सिखाते हैं। हाँ जी। और किस तरह से युवाओं में विशेष उत्साह रहता है? लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि उन्हें अपने हाथ से कुछ करने को, कुछ सीखने का, कुछ बनाने का मौका मिलता है। आप बताओ यहाँ पे आप बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार बनाया आपने? हाँ। मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे काफी उत्सुकता है पॉटरी बनाने के लिए, पॉटरी ट्राई करने के लिए। सो स्टॉल नंबर 4 का वेट कर रही हूँ। बताएं क्या लाए हैं इस बार? ये शेल्फल्स हैं, सीप से के बुरादे से बनते शेल्फल्स हैं। हमारे पास ऑनिक्स में है और प्योर सेमी प्रेशियस में भी है, जैसे रोज क्वार्ट्ज ये सब है। और बाकी पूरी चांदी की रेंज है, चांदी का भी हम करते हैं, ये टोटल चांदी की रेंज है। उसमें इयर रिंग्स, एंकलेट्स, ब्रेसलेट सब मिल जाएंगे। मेन का काम जयपुर में हम सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी ये जितना शेल्फल का काम है ये सारा हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम खुद ही डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप ये डिज़ाइनिंग देखेंगे ये खुद की डिज़ाइनिंग होती है। हम सारे स्टोन सब हर से मंगाते हैं, इम्पोर्टेड इनको बनवाते हैं।
जयपुर से आए हैं, हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं। हम एग्जीबिशन करते हैं दिल्ली, पंजाब, इस तरफ पूरे सेक्टर में करते हैं। मेरा नाम है ममता बंसल, हमारे फर्म का नाम है गीक जेम्स। हेलो, आई एम पार्ट ऑफ पॉटरी डिलाइट, जो कि एक पॉटरी स्टूडियो है बड़गांव में। हमने यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स डिज़ाइन किए हैं और हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑल्सो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो जस्ट विजिट अवर स्टूडियो। कॉर्ड सेट है, फुल सेट है, टॉप्स है, जीन्स के ऊपर करने वाले शर्ट्स है, बहुत ही एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। मेरा नाम रेखा कटारिया है, जैन हूँ मैं, सारा एगलेस है और सारा होम बेकर है। क्या 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 बनाया है? ये बकलावा है, न्यूट्रेला बकलावा, पिस्टेचो बकलावा और ये रोल बकलावा रोल, उसके अंदर कस्टर्ड फिलिंग है। टर्किश डिश है, चीज केक से चीज केक है, काफ़ी वेराइटी है। जय जिनेंद्र सभी को। हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले किया है शिफॉन की साड़ीज एंड पेंटेड साड़ीज, ऑर्गेन्जा की साड़ीज़ है और कुछ हैंडवर्क की भी साड़ीज़ है, जो अपना खुद की जो स्पेशल डिज़ाइन रहती है और सारा का सारा हैंडवर्क के अंदर हम लोग डील करते हैं जी। मेरा नाम पारुल शर्मा है, हमारा स्टोर है मोरबी नंदन डिज़ाइंस बाय पारुल नाम से, जो कि जगदीश चौक पालीवल कचोरी के पास में है। और हम लोग उसमें सूट्स में, कुर्तीज़ में, साड़ीज़ में, सब चीज़ों के अंदर जो लेडीज़ वेयर रहता है उसमें डील करते हैं। और अपने पास में जो हैंड पेंटेड साड़ीज़ होती है, हैंडवर्क की जो साड़ीज़ रहती है, सूट्स के अंदर ब्लॉक प्रिंट्स के जो सूट्स रहते हैं, कोटा डोरे के दुपट्टे, शिफॉन के दुपट्टे, इन सब में हम लोग डील करते हैं। और हैंडवर्क के अंदर अपनी स्पेशलिटी है, हम लोग किसी भी टाइप से जो कस्टमाइजेशन का जो काम रहता है वो कस्टमाइजेशन का काम भी करते हैं, तो कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज चीज़ों को करवा सकता है। मेरा नाम सरिता खोकावत है, प्रथा बुटीक है। तो हम लोग हैंडमेड पोटली, पर्स, समाई बैग, मोबाइल कवर और स्टिच सलवार सूट और मटेरियल जी बताएं जी। क्या क्या? मैं खुशमाली, खुश आर्ट गैलरी, फतेहपुरा अहिंसापुरी, उदयपुर से हूँ। और मैंने नया कॉन्सेप्ट लेके मैं ईवा में आई हूँ। इसमें ये जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये एपॉक्सी रेजिन से बने हुए आर्टिफिशियल मार्बल के हैं। यहाँ का 3 दिन का हमारा जो ईवा का जो रहा है ये बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और आगे भी मैं चाहूँगी कि मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिले। और इसी तरह हमारा प्रोडक्ट का जो है एडवर्टाइजिंग अच्छे से हो, लोगों को खूब चीज़ें पसंद आए, यही मैं आशा करती हूँ कि अगली बार मुझे फिर से मौका मिले आने का। धन्यवाद। मेरा नाम भावना है, ऐसे तो मुझे सब लाली बोलते हैं, तो मेरे नाम से ही बुटीक है। और नया कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को कॉटन पे ब्लाउज़ नहीं मिलते हैं, जो वर्क है वो मैं नया कॉन्सेप्ट लाई। और दूसरा, अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, लोगों को नया कॉन्सेप्ट लगा है ये कि ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो ये मैंने किया है और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो जो मैं सोच रही थी वो हुआ है। हाई, माई नेम इज़ रीना पेशवानी फ्रॉम वाराणसी। और यहाँ की एग्जीबिशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी और सबसे अच्छा यहाँ जो मुझे लगा है हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे लोगों ने नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश की हैं, वो बहुत अच्छी हैं। पर्टिकुलर 2-3 शॉप्स तो है, उन्होंने अपने हाथ से पेंटिंग है और कुछ आइटम गिफ्ट आइटम्स हैं, फिर इनके ब्लाउजेज़ हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी के, तो ये सब मुझे बहुत पसंद आया है, जो इस एग्जीबिशन को दूसरी एग्जीबिशन से थोड़ा डिफरेंट है। और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबको बोलूँ, जो भी आए हैं खूब शॉपिंग करिए, खूब सबका बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए कि और आगे अच्छा से करिए। थैंक यू। देश ही नहीं पूरी दुनिया में नारी शक्ति बढ़ रही है और इसी अनुरूप अब केंद्र सरकार ने भी कुछ फैसला लिया है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले। बड़ी कवायद हो रही है और पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। हमारे साथ में नेहा पालीवाल हैं और विशेष रूप से एक महिला उद्यमी के रूप में जानी पहचानी एक शख्सियत है। आप बताएं किस तरह से ये
मेले हैं महिलाओं के लिए जो लगते हैं वो महिला शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। इस मेले का आयोजन बहुत ही अच्छे रूप में हुआ और सभी महिला उद्यमी जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला 3 दिन के इस मेले के कार्यक्रम में। और जो महिला उद्यमी हैं, जो हाउसवाइफ्स भी हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उन्होंने स्टॉल लगाया, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैं ये समझती हूँ कि महिला शक्ति, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु जो हमारी पुरानी कहावत है, उसी को स्वरूप में लाते हुए सब महिलाएं जो हैं आगे आई हैं और उनको हमारे जो भी गाड़ी होती है, दो पहिए होते हैं, पुरुष एक महिला, तो महिला के बिना भी सृष्टि नहीं चल सकती। इसी प्रकार इन्होंने जो अभी आयोजन किया उसमें सभी महिला उद्यमी हैं। अनुपम महिला क्लब का आयोजन बहुत अच्छा रहा और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अर्चना ग्रुप है, उस ग्रुप ने बहुत समय पहले महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए बड़ा काम किया और बहुत ही। नमस्ते, वी आर फ्रॉम धारिणी द वार्डरोब स्टोरी। हमारे पास लेडीज वेयर कलेक्शन, वार्डरोब में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब है, साड़ी, सूट, एज यू कैन सी विंटर कलेक्शन, जैकेट्स, जूतियाँ और किस चीज़ से कड़े और काजी। कॉटन के सूट है, चंदेरी हैंडलॉक के गोटा पत्ती के दुपट्टे हैं, क्रेप के सूट के पीसेज है। मेरा मनीता भारद्वाज है, मेरा प्रियता बुटीक है 100 फीट रोड पे। स्टिचिंग का भी है, आप कुछ भी पुरानी साड़ी की भी न्यू लुक करके ड्रेसेस बना देते हैं, डिजाइन मेरा ही होगा, साड़ी आपकी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है और हर साल की तरह बहुत यूनिक चीज इस मेले में देखने को मिलती है और लगता है अच्छी से अच्छी चीजें यहाँ से खरीद के ही जाए। मेरा नाम विदुषी कोठारी है। हमने हीर अभी इसको बुटीक के नाम से एक नया स्टार्टअप किया है और हम वहाँ इस बार नया कश्मीरी सूट लाए हैं विद मलबरी से खानी। मैं प्रेक्षा जैन, हमारे फर्म का नाम है न्यू बॉम्बे आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हमारी यहाँ ऐसी ऐसी ज्वेलरी है जो सोने से कम नहीं और जिसको खोने का भी कोई गम नहीं। हमारे पास एडी के सेट्स हैं, कुंदन ओरिजिनल कुंदन के सेट्स हैं, पोलकी के सेट्स हैं, अनकट डायमंड के सेट्स हैं। हमारा स्टोर भोपालपुरा में है, मेन रोड भोपालपुरा, आप आइए और देखिए और परचेज करिए। की नगरी उदयपुर में युवा मेला लगता है अनुपम महिला क्लब का और इसमें विशेष रूप से जो बात होती है कि महिलाओं के द्वारा स्टॉलें लगाई जाती हैं और विशेष करके खरीदारी भी महिलाएं करती हैं, लेकिन महिलाओं के साथ में खरीदारी के खजांची जरूर आते हैं और महिलाओं को खूब सामान यहाँ पे दिलाते हैं। ऐसे ही हमारे परम मित्र हैं सुशील जी पाटिया और काफी आनंदित विचार वाले हैं और इनका चेहरा पूरी प्रसन्नता से भरा रहता है। बताएं क्या कहना है इस मेले के बारे में आपका। ये अनुपम महिला क्लब जो युवा मेला करती है 16 साल से करती है, पूरे हमेशा उदयपुर वासियों को इसका इंतजार रहता है कि युवा महिला मेला कब होगा और यहाँ पर विभिन्न तरह के सामान, विभिन्न तरह की स्टॉल लगती है और इसके अंदर बहुत ही स्टैंडर्ड का जो भी सामान मिलता है और सभी इसका लुत्फ उठाते हैं और सामान खरीदते हैं। धन्यवाद। इस मेले में हमको साल भर इंतजार रहता है, काफ़ी अच्छा सामान मिलता है और अच्छा कलेक्शन है, हर तरह का कलेक्शन है, क्लोथ्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग, वेरी नाइस। बहुत अच्छा था, अच्छा कलेक्शन था।